कि जिया की मम्मी को हमने क्यों नहीं बुलाया, आखिर ऐसी क्या बात होगी तो जिया की मम्मी पापा में से किसी ने अटेंड नहीं किया इस फंक्शन को, या हमने उन्हें नहीं बुलाया या वो अपनी मर्जी से नहीं आए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। आज है मम्मी का बर्थडे, तो आज हम लोग मम्मी को सरप्राइज देने वाले हैं। मम्मी को कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग उनके लिए ऐसा प्लान कर रहे हैं, और जो उनका बर्थडे था एकदम हम लोग को फीका सा रिस्पांस दे रहे थे, कुछ भी नहीं ऐसे कर रहे थे कि हम लोग को कुछ पता भी है। तो मम्मी को शायद लग भी रहा होगा कि अभी तक जो है कोई विश क्यों नहीं किया है, तो उनको जो है अचानक सरप्राइज देंगे, फिर पता चलेगा। मम्मी को हम लोग ऐसे जता रहे हैं कि कल जो है छठी था, तो इसलिए जो है हम लोग के दिमाग से सब कुछ उतर गया, हम लोग को कुछ भी ध्यान है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी को ध्यान है, स्पेशली जिया को बिल्कुल। तो जिया ने ही मुझे बताया कि ऐसा करना है, तो बिल्कुल करेंगे जी। मम्मी को खुद याद नहीं था अपना जन्मदिन, मम्मी कहती है आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसी बात है। तो हमने तो अपने भाई को बता दिया, अपनी मम्मी को बता दिया, लेकिन बस मम्मी को पता नहीं है उसके बारे में। तो सीधा जाते हैं बाहर, बाहर से उठा करके केक लाते हैं। तो पहुँच गए जी केक की दुकान, हमने एक केक सिलेक्ट किया है, अच्छा लगा है, तो भाई साहब ला रहे हैं। हाँ जी, देख रहा हूँ ब्रेड, तो लग रहा है सैंडविच सब भी बनता है, एक बार ट्राई करेंगे इनका। हो गया सारा केक सब तो ले लिया जी, आप ले रहे हैं जी समोसा और जलेबी। तो समोसा और जलेबी के बिना तो पार्टी बिल्कुल अधूरा होता ही है जी। तो वहाँ पर ले रहे हैं भाई साहब, तो एकदम गरम गरम निकाल के दे रहे हैं, जो एकदम कढ़ाई से निकला हुआ है, ताकि जब घर जाएंगे लेकर के तो समोसा भी अच्छा खासा गर्म रहेगा। समोसा तो ले लिया जी, अभी ले रहे हैं कचौड़ी, क्योंकि घर में कुछ डायबिटिक पेशेंट है जो समोसा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसमें रहता है जी आलू। तो वहाँ पर मोनू कुछ कचौड़ी भी पैक करवा रहा है, और इसको लेकर के सीधा चलेंगे घर। सारा सामान तो ले आए जी, अब एक एक करके सारा जो चेयर है सभी को अंदर करना है मोनू। तो यहाँ का एरिया तो हो गया है जी पूरा खाली, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा केक काटने के लिए। तो अब ऐसा करते हैं, जल्दी से मम्मी और डैडी दोनों को जगा देते हैं। हमने मंगाया है जी यहाँ वाला केक, खुला एक बार। हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी आ चुकी है, मम्मी के लिए एक सरप्राइज है। तो मम्मी को भी बिल्कुल ध्यान नहीं होगा कि आज शायद ये करने वाले हैं, कुछ अंदाजा लगा था? नहीं, आज तो नहीं था अंदाजा। अच्छा, नहीं था अंदाजा। अपने पोता मगन अभी अपने बुजुर्ग अंदी और सब उन्होंने केक निकालना वहाँ से। सब आ गया ना जिया? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मम्मी ले आई अपने पोते को साथ साथ केक काटने के लिए। अच्छा, पोता भी केक कट रहा है साथ? पोता अभी तक हां खोल दिया क्या? पोता सोया हुआ है, दोस्तों को करते हैं दो। कितने पूरे हो रहे हैं, जन्मदिन तो पिछले साल एक बार, इस बार एक बार खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
तो मना लिया जी हमने, अब बारी है पार्टी की। तो यहाँ चल रहा है समोसा पार्टी, तो जी अभी खाएंगे नहीं समोसा इस कंडीशन में, तो हम खा लेंगे जी आके बदले। मम्मी खा लो अपना समोसा। ये आज तो जरूर खाएंगे। आज हमारे पोता का छठी है और हमारा जन्मदिन है, सबसे हम इसलिए खुश हैं। दोनों साथ ही हो गया, साथ ही हो गया, दूसरा जन्मदिन हुआ इतने दिन बाद। जी सो करके उठ गए हैं और हमारा बाबू भी जो है अभी सो करके उठ गया था, फिर सो गया। मालिश सब हो गया इसका? सब हो गया, दूध पी लिया, अब आराम फरमा रहे हैं। हाँ। हम बैठे हुए जग जाए तो फिर एक बार उसका मालिश करें। अच्छा। बैठा हुआ है, ये कब जगे अपने से, नहीं तो इसको खुद से जगाया जाएगा तो बहुत रोएगा। ठीक है जी, तो अब इतना है, यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है, उधर हमारा नाश्ता भी लग गया, तो चल करके नाश्ता करते हैं। अभी जिया का भोजन यही है जी, एकदम फाइव स्टार होटल का, एकदम ताज होटल से लाया गया है इसके लिए, तो देख सकते हैं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। क्योंकि अभी खिचड़ी देते हैं, कभी दलिया देंगे सुबह में। हाँ। कभी साबूदाना का खिचड़ी देंगे सुबह सुबह। हाँ। जो हमारा पोता जो है, क्योंकि जिया की पसंद भी है और हमारा पोता यही पचा भी रहा है। और सभी लोग जो है कमेंट करके कह भी रहे थे जितना मौज करना इसी 9 महीने में कर लो, उसके बाद मालूम चलेगा। खाने नहीं दिए अच्छे से लास्ट में। क्यों नहीं खाने दिए? माँ बोलती थी सब खाएगी, आप बोलते थे नहीं, खराबी करेगा, ये खराबी करेगा। बिल्कुल, तो उसका रिजल्ट भी तो देखो कैसा आया है। अभी जो है अभी 6 महीने तुम आराम से कुछ नहीं खाना, उसके बाद सब कुछ खाना। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आज बन रहा है जी पालक, तो पालक का दिन है जी, जो हमारी बेबी का जो है अच्छा खासा बाल आया है। आप ऐसे बहुत लोग पूछ भी रहे थे आपकी बेबी का इतना बाल कैसे आया। हमसे अनुगत भी होता है, दादी का भी एज हो गया है, तो दादी का भी बाल उतने घना, बाबा का भी बाल उतना ही घना, मेरा दोनों बेटा का बाल उतना ही घना, मेरी बहन जो है नैन्सी के मैं उसका भी बाल उतना ही घना, ये वंशज है। ये बच्चा हमेशा बेइज्जती करवाता है, जब भी सीटी मार रहे थे स्माइल करता था, इसलिए हम कैमरा लेकर के आ गए कि सामने फिर इसमें अच्छे मार दिया स्माइल। बेइज्जती से बचा दिया, वरना बच्चे हरदम बेइज्जती ही करवाते हैं। ऐसा एक डायलॉग सुने थे एक मूवी में। अभी से ठीक 1 घंटे पहले ही जी हमने अपना व्लॉग अपलोड किया था फेस रिवील का, और देख रहा हूँ बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है, 1.5 घंटा ही हुआ है और अभी व्यू आ रहे हैं 2,20,000। ओ भाई साहब मजा आ गया जी, मचा दिया आप लोगों ने, मचा के रख दिया है। और साथ ही उसमें कमेंट भी पढ़ रहे थे, तो कमेंट में जो है तरह तरह के रिएक्शन आ रहे थे, लेकिन जो सबसे जो प्यारा मुझे कमेंट लग रहा था पढ़ने में, वह यह सब लग रहा था कि बॉय पापा पर गया है, कोई कह रहे बॉय मम्मी पर गई है, तो मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के उन्हीं सब कमेंट को पढ़ रहा था। 50% कह रहे हैं पापा के ऊपर गया हुआ है, 50% कह रहे हैं मम्मी के ऊपर गया हुआ है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बेबी का फेस तो अभी चेंज होता रहेगा। जी कुछ देर पहले ही सो करके उठे हैं और बाबू की चल रही है मालिश, और उसके लिए ले आते हैं तेल, क्योंकि तेल जो है आज तक का ही स्टॉक है, तो जाकर उसके लिए मालिश का तेल लेते आते हैं। और भूख भी लगी है काफी तेज, तो यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, जल्दी से हम लेकर के आते हैं दुकान से, तब तक तो 3-4 रोटी बन ही जाएगा निश्चित रूप से। ये क्या बन रहा है? कटहल की सब्जी। अच्छा कटहल, उसमें थोड़ा विलम्ब हो। ठीक है, कोई बात नहीं, भुजिया है ना, भुजिया खा लेंगे तब तक। भुजिया वाले परसों तीन तरह हमने खाएंगे, 3-4 हम भी खाएंगे। साबूदाना दीजिएगा 250 ग्राम। अब कौन सा सही रहेगा, अब जिया खिलाना है, उसके बाद दूध 1 लीटर दूध हो गया, नारियल तेल दे दीजिएगा। ले लिया जी सारा सामान, अब सीधा चलते हैं घर, अभी तो धूप है, लेकिन कल जो रात में बारिश हुई है खतरनाक बारिश हुई है, पूछिए मत कितनी खतरनाक बारिश हुई, इतनी तेज आंधी आई थी कि सभी लोग जग गए थे। ये लो इसमें सारा सामान आ गया। क्या सब लाया? इसमें तेल होगा, साबूदाना होगा और दूध होगा। अब ये देखो छठी का ब्लाउज बना दिए, हम बढ़ी का ब्लाउज बना रहे हैं। हाँ। ये जो सारा नाइटी मेरा तेल में खराब हो रहा है। हाँ। तो उसके बदले में 2 खराब होगा तो 5 लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। तो अभी चल रहे थे मार्केट, कुछ सामान लाना था बाबू का, तो सीधा चलते हैं वहीं पर। मार्केट आए हुए थे खरीदारी करने के लिए, यहाँ से हम गुजर रहे थे, ये जो भाई साहब है क्या नाम हुआ आपका? आनंद कुमार जी। तो आनंद जी आए, कहे कि शाश्वत है आप? हम कहे कि हाँ शाश्वत है, तो कहे कि हाँ आइए, तो पता चला कि सब्सक्राइबर हैं और एक बार हमारे घर भी आए, उस टाइम रुद्र पूजा भी थे, तो काफी अच्छा लगा मिलकर आपसे। और
इनका हार्डवेयर का दुकान है, कभी होगा जरूरत तो आएंगे आपके यहाँ। पहुँच गए जी मार्केट और कुछ तो खरीद लिया है, बाकी सब चीज खरीदने के लिए कैश है नहीं, तो किसी एटीएम जा करके जो है कैश निकालना पड़ेगा। एक दो एटीएम तो चेक कर लिया, वहाँ कैश मिला नहीं, अब जाते हैं किसी और एटीएम में, शायद वहाँ मिल जाए कुछ कैश। के बाद हगीज होगा, हगीज साइज नया बच्चा है, 6-7 दिन का, 7 दिन का बड़ा वाला पैक दे दे, बड़ा वाला दीजिए। हाँ पैकेट वाला 34 पीस आएगा, ठीक है, उससे भी ज्यादा वाला है, 34 पीस का दे दीजिए। वो होता है उसको थोड़ा खोलने में आसानी रहता है। तो चलिए जी, बच्चे का तो सारा सामान ले लिया, अब कुछ मिठाई लेना था तो जाके मिठाई लेते हैं। भैया एक्सपेंस दीजिएगा, 1 किलो 2 किलो। चलिए मिठाई तो ले लिया जी, स्पंज ले लिया है, घर में सभी को स्पंज बहुत ज्यादा पसंद है, इसको रख लेते हैं पहले डिग्गी में। चलिए ये रखा गया, चला जाए। हाँ गोप्रो है, बाबू का फोटो तक रिवील नहीं किया, कर दिए, कल ही वीडियो आया है। नहीं तो उसमें हम देखे, लेकिन उसमें जब आंटी लोग आए तो बात सुने, नहीं वो छठी वाला जो है। हाँ है, आप देखना उसमें बाकी सारा वीडियो ब्लर करके रखे हैं इंस्टाग्राम पे। नहीं उसमें इंस्टाग्राम पे रिवील किए थे। हाँ हाँ इंस्टाग्राम पे रिवील किए, इधर ही किए। चलिए अच्छा लगा मिलकर, ठीक है, ओके बाय, ठीक है, थैंक यू। ये सब्सक्राइबर मिल गए जी रास्ते में ही, तो थोड़ा सा रुक करके उनसे बातचीत कर लिए, अब सीधा चलते हैं घर। और मौसम थोड़ा हो गया है बेहतरीन, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अब बारिश होने वाली है, इससे पहले कि बारिश घेर ले घर पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा, वरना बीच में ही फंस जाएंगे। पहले तो बारिश में भीगने से डर नहीं लगता था, लेकिन अब बारिश में भीगने से बड़ा डर लगता है कहीं सर्दी जुकाम न पकड़ ले, क्योंकि जान ही रहे हैं जब से कोविड का समय आया है कुछ भी हो जाए आपको सर्दी जुकाम नहीं होनी चाहिए, ये फीलिंग आ गई है। पहले सर्दी जुकाम का तो कोई परवाह नहीं रहता था। भाई साहब सामने है ये ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से बाकी कैसे निकले, जगह है ही नहीं, साइकिल वाले भाई साहब तो आ गए, हम भी चाहे तो घुसा सकते हैं लेकिन रिस्की लग रहा है, जैसा कि उनको जाने देते हैं। चलिए उधर घूम रहा है, ओए होए होए, ये भी इधर ही घूम रहा है, इधर से रहता होगा। तो फाइनली जी अपने घर तो पहुंच गए हैं, अब जल्दी से जो है इस सामान को ऊपर पहुंचा देते हैं, चाबी को अंदर रख लेते हैं। ये तुम्हारा हगीज और बाकी सारा सामान, स्पंज सब भी है इसमें, हगीज ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, यहाँ नहीं मिल रहा, अच्छा ऑनलाइन सीधा मंगा लेंगे। ये सेम है, ये ठीक है। कल जो हमने छठी का ब्लॉग डाला था उसी में हमने फेस रिवील किया था, और उस वीडियो को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। जो हमारा बेबी बर्थ का ब्लॉग था, हम देख रहे हैं कि उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्स इस वाले ब्लॉग को मिल रहा है, तो धन्यवाद जी, आप लोग कैसे हैं, सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है। और साथ ही यह भी कमेंट देख रहा था जो कि मुझे लग रहा है कि वाजिब भी था, आपके मन में सवाल आना वाजिब है कि जिया की मम्मी को हमने क्यों नहीं बुलाया, आखिर ऐसी क्या बात होगी जो जिया की मम्मी पापा में से किसी ने अटेंड नहीं किया इस फंक्शन को, या हमने उन्हें नहीं बुलाया या वो अपनी मर्जी से नहीं आए। तो ऐसे सवालों का जो है आपका जवाब दे देते हैं, तो इसके लिए जो हमने बैठा लिया है मम्मी को और दीदी को, यही दोनों बताएंगे क्यों नहीं आए वो लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करते हैं इतना आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, और जहाँ तक फंक्शन बुलाने की बात है, अभी कोई फंक्शन हुआ ही नहीं, एक सादा समारोह में हम लोगों ने छठी का सिर्फ रिवाज को पूरा किया है। बिल्कुल जी। और जब जिया स्वस्थ है, अभी ऑपरेशन से बचा, आप लोग सभी जान रहे हैं, जब बच्चा और जच्चा मेरा दोनों स्वस्थ हो जाएगा तो एक हम आयोजन रखने के तैयारी में हैं, अगर भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा तो सभी रिश्तेदार मेरा अपना सभी समारोह जितने भी मेरे अपने हैं मैं सबको यहाँ बुलाऊंगी, सबका अपने यथाशक्ति स्वागत करूंगी, और सबसे अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगूंगी, और आप लोग इंतज़ार कीजिए, लगता है कि मेरे यहाँ भी बहुत लोग आएंगे और आप लोग उसके नज़ारा देखेंगे। और जिया की मम्मी क्यों नहीं छठी में आ पाई, कि एक रोज पहले तो गई ही थी, तो फिर जब कोई फंक्शन ही नहीं हुआ तो परेशान होने के लिए, जिस दिन डिस्चार्ज हुई उसके अगले दिन जो है वो नाती के छठी में थोड़ा तैयारी से आना पड़ता है, तो इसे कैसे आ जाए। और हाँ जी, अपने से कुछ लोगों का कमेंट भी देख रहे थे, शायद वो दूसरे राज्य से थे, तो उनका कमेंट यह था कि आपके यहाँ छठी में ज्यादा लोग नहीं आए, हमारे यहाँ छठी जैसा कोई भी कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी लोग इकट्ठा होंगे जी, हमने कुछ इस बार फंक्शन रखा ही नहीं था, सिर्फ परिवार के लोग थे जैसा कि आपने देखा, और जब 1-1.5 महीने बाद कोई भी फंक्शन होगा, 1-1.5 महीना शायद 1-1.5 महीना ही ना, उससे पहले ही हो जाएगा, तो सोचने के बाद तो कुछ नहीं होता, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा।
ठीक है, इसलिए सब लोग इंतजार कीजिए, मेरा प्रयास जारी है। हाँ। और मेरी बहन जो है जाना भी चाहती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा समय मम्मी के जाने से पहले ही हम लोग ये फंक्शन कर लें, ताकि मेरी बहन जो है अटेंड करे, क्योंकि इसमें पोता है बहुत बहुत सेवा। बिल्कुल जी, जब जाएंगे तो आप लोग को पता ही कि जाएंगे, जिसको मुख से धन्यवाद नहीं किया जा सकता, हृदय से धन्यवाद। बिल्कुल जी, अच्छा करते हैं जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, और अगले वीडियो की तैयारी कीजिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, उससे थोड़ा सा एंडिंग चेंज हो गया, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हम लोग उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। बिल्कुल, जल्दी जल्दी गोली लेते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, चलेगा सब, ओके बाय।